वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रिपलो प्लास्टिक ए सिलोमेट बॉडी प्लान इसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस को फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस दो वर्ड से मिल बना है प्लेटी और हेलमेंथिस प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट और हेलमेंथिस का मतलब होता है वर्म्स तो कलेक्टिवली हम इन्हें फ्लैट वर्म्स कहते हैं नेक्स्ट दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेटेरिया लिवर फ्लू ब्लड फ्लू जर्नल करैक्टर्स की बात करें तो इन्हें हम फ्लैटवर्म्स कहते हैं इनकी बॉडी डार्सो वेंटली फ्लैट एंड होती है डॉर्सल और वेंटल साइड से ये चपटे होते हैं इनके अंदर बाइलेट्रियल सीट्री पाई जाती है बाइलेट्रियल सट्री claro का मतलब है कि हम इनकी बॉडी को एक प्लेन में दो इक्वल हाफ में तकसीम कर सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास है कि ये ट्रिपलो होते हैं इनके अंदर तीन जम लेयर्स पाई जाती हैं फर्स्ट एक्टोडम दैन मीजोडम एंड थर्ड एंडोडम दे डू नॉट हैव बॉडी कैविटी इनके अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं होती इस वजह से हम इन्हें ए सीलोमेड कहते हैं और ये अनसेगमेंटेड होते हैं नेक्स्ट हम बात करें तो फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस सबसे पहला फाइलम है जिसके अंदर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गनाइजेशन पाई जाती है दे हैव इनकम्प्लीट गट एंड गट इज एबसेंट इन सेस्टोड से क्लास ऑफ प्लेटी हेलमेंथिस रेस्पायरेटी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर एबसेंट इनफैक्ट द रेस्पायरेशन जनरली अकज बाय सिम्पल डिफ्यूजन द फ्लेम सेल्स हेल्प इन एक्सक्रीशन द एक्सक्रीटी सिस्टम हैज़ प्रोटोनेफ्रीडिया विद फ्लेम सेल इनका जो एक्सक्रीटी सिस्टम है वो प्रोटोनेफ्रीडिया पर मुश्तमिल होता है दिज एनिमल्स आर हर बोथ मेल एंड फीमेल आर्गनज आर प्रेजेंट इन सेम बॉडी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटीस की बात करें तो दे हैव फोर क्लासेस क्लास टर्बिलेरिया क्लास मोनोजीनिया क्लास एस्टोडा एंड क्लास टीमाटोडा आज हम जिस क्लास के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है क्लास टर्बिलेरिया। क्लास टर्बिलेरियंस दे आर फ्री लिविंग वर्म्स टर्बिलेरियंस आर नेम फॉर देयर टर्बील बीटिंग ऑफ सीलिया क्रिएट दिस टर्बिल इन वाटर टर्बीलेरिया को नाम इस वजह से दिया जाता है क्योंकि ये पानी के अंदर आलूदगी पैदा करते हैं टर्बिलेरियंस आर प्रीडेटर एंड स्केवेंजर्स दे आर बॉटम डिवेलर इन बोथ फ्रेश वाटर एंड मेरीन इन्वायरमेंट इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो कानवोल्यूटा नोटोपलाना एंड टूजीसिया नेक्स्ट हमारे पास है बॉडी वॉल ऑफ क्लास टर्बिलेरिया देर आर वॉलिंग लेयर्स इन द बॉडी फर्स्ट ऑफ़ ऑल एपीडरमस दिस इज़ द आउटर बॉडी लेयर दिस इज एक्टोडर्मल इन रीजन दे देप सीलिया एंड माइक्रोविलाई नेक्स्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिशू कनेक्टिव टिशू की बनी होती है और ये सेपरेट करती है एपिडर्मिस को मीजोडर्म से नेक्स्ट लेयर है हमारी मस्कुलर लेयर आउटर लेयर ऑफ सर्कुलर मसल्स एंड इनर लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडल मसल सम मसल्स आर डार्सो वेंटरली एंड ऑब्लिकली प्लेस तिरछे प्लेस होते हैं नेक्स्ट हमारे पास पैरेंट कायम है मीजोडर्म से डिराइव होते हैं लूजली ऑर्गनइज सेल होते हैं प्रेजेंट बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड गैस्ट्रोडर्मस गैस्ट्रोडर्मस क्या होती है दिस इज द इनर मोस्ट लेयर डिराइव फ्राम द एंडोडर्मस ये एक सेल पर मुशतमिल होती है एंड गैस्ट्रोडर्मस लाइन द डाइजेस्टिव कैविटी नेक्स्ट हमारे पास ग्लैंड होते हैं ग्लैंडुलर सेल्स आर प्रेजेंट ऑन द वेंटल सर्फिस दीज आर एपीडर्मल इन ओरिजिन रेबडाइट्स दे आर रॉड लाइक सेल्स दे स्वेल एंड फॉर्म प्रोटेक्टिव म्यूकस सीथ दिस प्रोटेक्टिव म्यूकस सीथ प्रोटेक्ट बॉडी फ्राम प्रिडेशन एंड डेजिकेशन डिहाइड्रेशन से भी बचाती है एडेसिव ग्लैंड जैसे नाम से ज़ाहिर है ये टर्बीलेरिया को अटैच करवाते हैं टू द सबस्टेट बाई प्रोड्यूसिंग स्टिकी कैमिकल्स रिलीजर ग्लैंड दे डिजॉल्व द अटैचमेंट वेन नीडिट नेक्स्ट है हमारे पास डायग्रामेटिक रिप्रजेंटेशन ऑफ बॉडी वॉल ऑफ टर्बीलेरियंस लोको मोशन की बात करें तो देव बायोलेटिकल सिमिट्री बायोलेटिकल सिमिट्रिकल एनिमल्स हैं उन्होंने एक्टिव लाइफ स्टाइल को अपना लिया है दे आर प्राइमरि बॉटम डिवेलर दे मूव बायूजिंग सीलिया और मस्कुलर एंड स्प्रेड आ शीट ऑफ म्यूकस ड्यूरिंग देयर मूवमेंट म्यूकस हेल्प इन एडिशन एंड हेल्प्स दीलिया टू गेन ट्रैक्शन तनाओ सीलिया में पैदा करते हैं डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन की बात करें तो इनके अंदर ब्लाइंड डाइजेस्टिव कैविटी प्रेजेंट होती है मे बी सिंपल एंड अनब्रांच चैम्बर मोस्ट टर्बिलेरियंस डोंट हैव डाइजेस्टिव कैविटी है इंजेशन ऑफ फूड की बात करें तो फेरेंस फंक्शन एज इंजेस्टिव आर्गन डाइजेशन इनके अंदर पार्शली एक्स्ट्रा सेलुलर होती है फेरेंजियल ग्लैंड एनजाइम्स दिनजाइम ब्रेक फूड इन स्मॉलर स्माल पीसेज द स्मॉलर पीसीज आर देन टेकन इन

Environment, they do not regulate their body concentration, but in freshwater invertebrates are hypotonic. They regulate body concentration. Nervous system and sense organ. Diffuse nervous system. It is the per most primitive type found in order Acoela. It is composed of subepidermal nerve.

नर्व कॉर्ड एंड कमिशर गिव लेडर लाइक अपेयर ये लेडर लाइक अपेयरेंस देते हैं नेक्स्ट है हमारे पास सेंस ऑर्गन्स ऑरिकल्स आर सेंसरी लॉब्स प्रोजेक्ट फ्राम द साइड ऑफ हेड नेक्स्ट है हमारे पास कीमो रिसेप्टर दे हेल्प इन फूड रिसर्च आई स्पॉट आई स्पॉट्स आर कॉल्ड ऑसीलाई एंड टर्बीलेरिये टू सिंपल आई स्पॉट दे डिटेक्ट द लाइट ईच ऑसीट ऑफ कप लाइक डिप्रेशन फोटो रिसेप्टर नर एंड इन दप रीप्रोडक्शन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है जो इनके अंदर वो ट्रांसफर फिशन के जरिए से होती है फिशन के नतीजे में ये दो एनिमल्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं और जो दो नए एनिमल होते हैं उन्हें हम जवाइड्स कहते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन टर्बिलेरियंस मोस्ट टर्बिलेरियंस आर मोनो एशियस मोनोइशियस का मतलब क्या है कि इनके अंदर जो मेल और फीमेल ऑर्गन होते हैं जो इनके अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन हैं वो एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं देयर रिप्रोडक्टिव आर्गन आर फॉर्म फ्राम मीजोडर्मल टिश्यूज इन पेरेंट कायमा फर्टिलाइजेशन इनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है पीनस ऑफ ईच इंडिविजुअल इज इंसर्टेड इन टू काटरी सेक ऑफ पार्टनर्स स्पम मूव टू द जेनिटल चैम्बर दे रीच ओवरीज थ्रू ओवी एंड फर्टिलाइजेशन अज इन ओवरी क्रास फर्टिलाइजेशन में स्पम्ब जो हैं दो एनिमल्स के दरमियान एक्सचेंज होते हैं क्रास फर्टिलाइजेशन का फ़ायदा ये है कि ये ग्रेटर जेनेटिक डाइवर्सटी प्रोड्यूस करती है नेक्स्ट इनके अंदर डिवेलमेंट की बात करें तो डिवेलमेंट ऑफ़ टर्बिलेरियन इज़ डायरेक्ट इन most cases gradually they change into adults a few turbularians produce free swimming larva that is called muller's larva it has ciliated extension for feeding and locomotion larva settles on substrate and develops into young turbularians that's all about class turbularia